ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम रोहतक जिले में हैं, बड़म्बा गांव में, और बहुत ही खूबसूरत जोटी सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। लंबाई, ऊंचाई, पीठ, पुट्ठा, थन, अडर, हर मामले में बहुत ही बेहतरीन। और हरियाणा जो मुर्रा की खान है, यहाँ से बार बार बहुत ही शानदार क्वालिटी के पशु निकलते रहते हैं, और उसी क्वालिटी की बहुत ही बढ़िया जोटी सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। इसके बारे में डिटेल से भाई साहब से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, कौन से ब्यांत की है, कितना दूध दे रही है, सारी बातें भाई साहब से ही पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संदीप अहलावत है जी, गांव बड़म्बा है, तहसील महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। संदीप अहलावत, बड़म्बा गांव और महम के पास है ये, कितने किलोमीटर है महम से भाई? महम से 5 किलोमीटर है जी। महम से बेरी रोड पे? हाँ जी, महम से बेरी रोड पे 5 किलोमीटर है जी। ठीक है, पहला गांव हमारा ही है जी बड़म्बा। ठीक है ठीक है। तो भाई साहब कौन से ब्यांत की है जोटी है? ये सेकंड टाइम है जी, दूसरी बार की है। तो पहले ब्यांत में कितना दूध दिया है भाई साहब? इसने 19 लीटर दिया भाई साहब। पहले ब्यांत में 19 लीटर, अभी दूसरी बार की ब्याई हुई है, और कितने दिन की ब्याई हुई है जी? ये कल ब्याई है भाई साहब। कल ब्याई है, तो पीछे क्या है इसके? इसके कट्टा है भाई साहब। कटड़ा है, हाँ, ये अपना रुस्तम जो है हमारे हरियाणा का जोटा, जो गितोली गाँव से है, उसका वो है। खड़ा करना इसको, कटड़ा है साथ में, देखिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। रुस्तम गतोली का, जो कि मुक्तसर में चैंपियन बना है बुल, और साथ में जोटी देखिए बहुत ही खूबसूरत। मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल छोटे सींग की, और बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। लंबाई ऊंचाई बहुत बढ़िया, अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत। ऑर्डर देखिए, थनों की क्वालिटी देखिए, बहुत ही शानदार। कल भी आइए भाई साहब। कल भी आइए भाई साहब। अभी खीस में थोड़ा खीस छोड़ा, शाम को खाली कर देंगे अभी। अच्छा, आज शाम को खाली हो जाएगी। तक 12-13 लीटर निकाल चुके हैं कल से। अच्छा, 12-13 लीटर खीस निकाल चुके। देखिए मैं बता रहा था कि बहुत बढ़िया पुट्ठे की, चौड़े पुट्ठे की है, और बहुत ही शानदार जोटी। अपना सेल परचेज का काम है भाई साहब, छोटी पूंजी से लेके हम तो बड़ी तक रखते हैं। अंदर है 2-3 लाख रुपए की ले रखी है, वो 5 महीने की गैपन है, और एक लेके आए थे 2.5 लाख रुपए की, एक ने निकाला 22 लीटर दूध, एक ने 19 लीटर, वो अंदर है, वो भी दिखाएंगे, वो भी देखेंगे। तो ये जोटी भाई साहब बेचने का विचार है? हाँ बेच देंगे भाई साहब, अगर अच्छी भी चीज बिकेगी तो बेच देंगे। अच्छा, तो क्या रेट रखा है भाई साहब इसका? भाई साहब देखो, मोल कुछ करवा लो, 2.5 लाख रुपए की देनी है हमें। अच्छा, 2,50,000 रुपए की देनी है भाई साहब। की बार ये मान के चल रहे 22-23-24 लीटर दूध निकाल देगी, 22 और 24 लीटर के बीच में दूध निकाल देगी। 2,50,000 रुपये रेट भाई ने रखा है। बहुत ही बढ़िया हाइट लेंथ की जोटी, थनों की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, पूंछ बिल्कुल जेड ब्लैक है, कटड़े की पूंछ जो है थोड़ी सी वाइट है। लेकिन भाई साहब ये उसमें है प्योर, ये भी है उसमें, हाँ। जो अपने पास है उतना ही है, बिल्कुल नहीं है। बहुत भारी कटड़ा है, बहुत भारी, रियलिटी में आप देखोगे तो आइडिया होगा, और जोटी भी काफ़ी भारी है। और जो अंदर दो जोटियां भाई बता रहे हैं, वो भी मैं भाई की जो जोटियां हैं वो दिखाता हूं आपको। लेकिन जो भाई ये जोटी लेना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपए भाई ने रेट रखा है। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है भाई साहब अपना? मेरा जी 80-53-53-37-37 80-53-53-37-37 तो ये मोबाइल नंबर है भाई का। दूसरे ब्यांत की जोटी, कल की ब्याई हुई है, और बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद जो पशु भाई के पास अंदर घर पे बंधे हुए हैं, दो जोटियां, मैं वो भी दिखाता हूं, और उनके बारे में भी भाई से डिटेल से जानकारी लेते हैं, इनसे बात करते हैं। जो काफ़ी महंगी भाई ने बताई, 2.5 लाख और 3 लाख रुपए की इनकी आई हुई है, ये वाली इधर, ये भाई साहब कौन? ये भाई साहब 22 लीटर 22,800 निकाला है, दूसरी बार बहेगी ये, 5 महीने के पड़े, दोनों एक दिन हुई थी। अच्छा, ये भी उसी तारीख को, ये भी उसी तारीख को, 5 महीने अब ये नाट चुके, दूध से छोड़ दिए बिल्कुल। अच्छा, दूध से जल्दी छोड़ दी फिर? हाँ, ये भाई साहब इस थोड़ा ब्यात नहीं से थोड़ा एक बार वो हो गई थी, रिपीट कर गई थी। हाँ, रिपीट कर गई थी। ठीक है, ये 2.5 साल की ब्याई होगी। अच्छा, कंटिन्यू दूध निकाला, मतलब 22,800 निकाला एक साल तक, बाकी 17-18 नॉर्मल दिया इसने। अच्छा, आपकी बार उम्मीद कर रहे 30 लीटर दूध निकालने की जोटी की, ये हम घर पे रख रहे हैं इसको, ये सेल के लिए नहीं है। अच्छा, घर रखेंगे इसको? ये घर पे रखेंगे भाई साहब, इसको बेचेंगे नहीं। पहले ब्यांत में दिया 22 किलो 800 ग्राम दूध, 2.5 लाख की मैं लेके आया था।
अच्छा दांतों में कैसी थी उस टाइम? ये दांतों में उन्नी थी भाई साहब उस टाइम। खीरी थी? खीरी थी। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। खीरी जोटी का 22 किलो से ऊपर दूध, बहुत बड़ी बात है। 3 लाख रुपए की लेके आए थे जी खर्ची, बटवाली गांव से लेके आए थे। अच्छा हाँ जी। और ये अब की बार दूजे में आएगी, इसने भी 19 लीटर दूध निकाला है। अच्छा, उम्मीद है 22-23 ये भी निकाल देगी। ठीक है पहले ने 19 निकाला है, 5 महीने ये तो अभी भी दूध दे रही है। ये अभी होगा जी 12 लीटर दूध इसमें। 12 लीटर ठीक है, 12 लीटर दूध। लेकिन हाइट लेंथ मैं कहूंगा, जो जोटी आपने बाहर देखी है उससे भी लंबाई ऊंचाई में, उससे लंबी भी है और ऊंची भी है शायद। ऊंची भी है, उससे लंबी भी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 दांत है जी अभी। अभी 6 दांत ही है। ठीक है थोड़ा जो पशु आप देख पा रहे हैं वीडियो में, थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी हुई, गोबर लगा हुआ, उसका रीजन ये है कि बहुत सर्दी है हरियाणा में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बाकी नहलाए धुलाए हर किसान हमारे यहाँ पशु रखता है। तो ये दो जोटियाँ भी बहुत ही खूबसूरत भाई साहब के पास, और जो ये बताई भाई ने 22 किलो 800 ग्राम दूध पहले ब्यांत में इसने दिया है, बहुत बड़ी बात है। ये प्योर मुर्रा है भाई साहब, ये भी जेड ब्लैक है। अब इसको देख सकते हो, इसकी कुछ फोटो है मेरे पास इसके अड्डर की। अगर आप अड्डर देखोगे तो आपको मतलब मैक्सिमम कमी मिलेगा मिनिमम पशुओं में, इसकी इतना अड्डर की बेती है। ठीक है वो फोटो मेरे को आप व्हाट्सएप करना, शायद वीडियो में मैं लगा दूंगा। तो ये सारे 3 पशु आज हमने भाई साहब के यहाँ पे दिखाए, और एक जो जोटी बाहर आप देख पा रहे हैं खुली खड़ी अपने बच्चे के पास, दूसरे ब्यांत की, बहुत ही खूबसूरत। आप पशुओं के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर ये सामने जोटी आप देख पा रहे हैं इसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, तो भाई साहब से बात कर सकते हैं। छोटे किस रेट से शुरू हो जाती है? तो भाई साहब 40-50 हज़ार से लेके 3-4 लाख तक की लेते हैं। अच्छा। और हाँ, हमारे गायक है पंजाब के भी है भाई साहब, यूपी से भी आते हैं हमारे पास और राजस्थान से भी आते हैं, और हमारे लोकल भी गायक है। हमारा काम वैसे जमींदारा भी है, लेकिन हम शौक के लिए व्यापार करते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, ये हमारा मेन यही है, लेकिन हमारा शौक है और हम अच्छे पशु रखते हैं भाई साहब। ठीक है अच्छे पशुओं की वो रखते हैं, वैसे हमारा जमींदारे का मेन काम है, साथ साथ में ये है। ठीक है। कोई भाई जाता है भाई, गांव से दिला देते हैं, किसी को खुद भी दे देते हैं, गाय काटते हैं बाहर से। ठीक है जी। हाँ जी, किसी सारी तरह का काम है। हाँ, सारी तरह का काम है भाई। तो भाई साहब पशुओं को आप फीड में क्या देते हैं, दाना दूना क्या देते हैं? भाई साहब हम तो नॉर्मल रखते हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं, हम तो खड़े, खंडा और चूरी। अच्छा। तीन ही चीज डालते हैं भाई साहब, और कुछ नहीं डालते। अच्छा, गेहूं का दलिया वगैरह? गेहूं का दलिया मिक्स कर देते हैं उसमें, और इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है भाई। तो ये देखिए, आज हमने भाई साहब के यहाँ पे पशु दिखाए, और आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, स्क्रीन में इनका नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपसे कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा आपको, ये तीनों मैं तो कहूँगा एक से बढ़कर एक बहुत ही शानदार पशु अपने हिसाब से, जो भाई ने बताया कि 22 किलो 800 ग्राम दूध दिया है, वो जोटी तो बहुत ही बेहतरीन, और ये सामने भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार जोटी। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपये रेट भाई ने रखा है। स्क्रीन में इनका जो नंबर है वो नीचे चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं, जोटी के बारे में पूछ सकते हैं। और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं भाई, आपको ये जोटी कैसी लगी? सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।